नमस्ते, ज्ञान गंगा भारत इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी निबंध लेखन में एक जवान की आत्मकथा, इस निबंध के बारे में बहुत ही आसान भाषा में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे ज्ञान गंगा भारत इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। यद्यपि अब मेरी उम्र ढल रही है, फिर भी लोग मुझे जवान कहते हैं क्योंकि लोग एक सैनिक को ही जवान मानते हैं। वैसे मैं अब भी अपने आप को जवान ही समझता हूँ। मुझे जवान होने का गर्व है। मैं देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। मैं सदैव कर्तव्य पालन में अपने प्राण नौछावर करने के लिए तत्पर रहता था। यदि मैं शहीद हो गया होता तो मुझ पर मेरे परिवार और देश को गर्व होता, पर यह सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया। इसके पहले ही मैं सेवानिवृत्त हो गया। सोचता हूँ, मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है तो एक दिन मरना तो निश्चित ही है, फिर शान से देश सेवा करते हुए क्यों न मरूं? तुम मेरा परिचय पाने को उत्सुक हो तो सुनो, मेरा परिचय बस इतना ही है कि मैं एक जवान हूँ। मैं भारत में कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला, कहाँ बड़ा, कहाँ प्रशिक्षित हुआ और किन सीमाओं पर मुझे नियुक्त किया गया, कब सेना से सेवानिवृत्त हुआ, इन सब से तुम्हें क्या लेना देना है? पूरा भारत ही मेरा घर है। मैं हर जगह का रहने वाला हूँ। सारा देश मेरा है। आज मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ तो क्या हुआ? देश को आज भी मेरी आवश्यकता है। देशवासियों के सुख, शांति और प्रगति के लिए मुझ जैसे व्यक्तियों की सेवा, त्याग और बलिदान की हमेशा आवश्यकता रहती है। देश को जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं तैयार हूँ। मैं दुश्मनों के छक्के छुड़ा चुका हूँ। अब भी मुझ में शत्रुओं के छक्के छुड़ाने की हिम्मत है। भगवान से यही प्रार्थना है कि देश सेवा में मेरी प्रवृत्ति सदैव बनी रहे। इस प्रकार आज हमने हिंदी निबंध लेखन में एक जवान की आत्मकथा, इस निबंध के बारे में बहुत ही सुंदर और आसान भाषा में जानकारी प्राप्त की। आपको यह वीडियो कैसी लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर आप हमारे ज्ञान गंगा भारत इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।